अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज है 25 दिसंबर 2023 और आज इस वक्त एक नर्सरी पर मौजूद हूँ। दो दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया था, हॉस्पिटल में था, बेगम की तबीयत सही नहीं थी, जिस वजह से दो दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा। थक गया, हालत ख़राब हो गई और फिर किसी वजह से इस नर्सरी में आना पड़ा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था। तो सोचा कि आए यहाँ पर एक वीडियो भी हो जाए, इस नर्सरी की अपडेट्स दिखा दूँ। मैं इस वक्त कौन सी नर्सरी पर मौजूद हूँ, मैं अल्लाह वाली नर्सरी पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मुझे जो काम था मैं उस सिलसिले में आया हूँ। तो सोचा एक वीडियो बना लूँ, और वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि बस एक ये मेरे सामने प्लांट रखा हुआ है, बहुत अच्छा, इस वक्त ज़बरदस्त जाइंट साइज़ का ये प्लांट इस वक्त नज़र आ रहा है। मैं इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो कि ये है डिफेनबैकिया बिग बेन, जो कि तकरीबन मेरे हाइट से 2 या 3 इंच बस छोटा रह गया, बस अदरवाइज़ ये मेरे ख्याल से कितना 5 फीट से 2 इंच शायद कम होगा। तो इतना ऊंचा ये हो चुका है। ये कौन सा प्लांट है, ये वही वाला प्लांट है जो कि मैंने इतना सा एक प्लांट ख़रीदा था बहुत पहले, और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये वही गमला है, उसी गमले में ये लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर इस नर्सरी पर ले आया था क्योंकि मुझसे ये संभल नहीं रहा था, तो इसकी कंडीशन देख के मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त ये एक जॉइंट बनता जा रहा है, ह्यूज और इतना भारी। इसके लीव्स देखें कैसे ज़बरदस्त, अभी ऑब्वियसली डोरमेंसी चल रही है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो ये इसकी कंडीशन है, और जो सबसे ज़्यादा हैरानी हुई कि देखें छोटे से गमले में लगा हुआ है, और जिस गमले मैंने लगाया था तकरीबन मेरे से 3 साल हो चुके, 3 साल से इसी में ये मौजूद है, और इसकी स्टेम जो देखें कितनी ज़्यादा ठीक हो चुकी है, जिसको मैं देख के बहुत हैरान हुआ। ये देखें कि क्या ज़बरदस्त और ऐसा मज़बूत ये प्लांट बन चुका है। तो सोचा कि इस खूबसूरती को वीडियो में कैप्चर किया जाए। तो अगर आप लोगों के पास जगह है तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि डिफेनबैकिया की ये बिग बेन वाली वैरायटी इसको ज़रूर रखा करें। ये एक बड़ी अलग और खूब बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं इसकी, और इसलिए यही खूबसूरती होती है। हम अक्सर वीडियोज़ में देख रहे होते हैं कि फाइलोडेंड्रोन के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, और वो बड़े बड़े 2-2 फीट के लीव्स होते हैं, तो वो उनकी खूबसूरती अलग ही नज़र आ रही होती है। तो ये बिग बेन दिखाना था, उसके बाद देख लेते हैं जल्दी से इस वीडियो में कि नर्सरी पर क्या नई चीज़ आई है। नर्सरी वाले ऑनलाइन डिलीवर नहीं करते हैं चीज़ें, लेकिन मैं एक डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, एक यहीं का एक माली है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर उसने आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी तो घर पर दे देंगे, अदरवाइज़ आपको ख़ुद यहाँ पर आना होगा। प्रोटोन का स्टॉक है यहाँ पर मौजूद है, और फर्न इनके पास बहुत सारी हैं, सिंगोनियम ये रखे हुए हैं, ये फर्न है, और आपको दिखाऊं। अच्छा, अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मैसेज देने से पहले मैं ये चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ पे एक फाइलोडेंड्रोन की एक वैरायटी रखी हुई है, इसका नाम मैं कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये है फाइलोडेंड्रोन। और उसके अलावा पीछे एक फर्न की वैरायटी, इसको शायद फायर शॉट करके कहते हैं, मैं भूल गया या कुछ ऐसी नाम है। तो बड़ी खूबसूरत एक वैरायटी है फर्न की, मैंने भी किसी ज़माने में इसका शौक पूरा किया था। इसके पत्ते बड़े हार्ड हो जाते हैं, प्लास्टिक टाइप के पत्ते लगते हैं, और इसकी खूबसूरती मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है फर्न की, काफ़ी सारी यहाँ पर वैराइटीज़ मौजूद हैं। तो अच्छा, अब मैं वापस अभी आगे भी चलते रहता हूँ, प्लांट्स के साथ साथ दिखाते रहता हूँ। और जो वीडियो में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है, चंद लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं प्लांट्स के हवाले से कि प्लांट्स ये कितने का ये ख़रीदना है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ। पहले कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी कि जिसमें मैं प्लांट्स, लोगों के प्लांट्स होते हैं मेरे, तो जिनको मैं सेल के लिए लगाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं ख़रीदने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त तकरीबन हर जगह पाकिस्तान के मोस्टली शहरों में ठंड, सर्दियों का मौसम चल रहा है, और सर्दियों के मौसम में प्लांट्स की परचेजिंग नहीं की जाती, प्लांट्स जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी क्या होती है, बहुत मुख्तसर से अंदाज़ में बताऊंगा। डोरमेंसी जो है आपकी प्लांट्स स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं, प्लांट्स रेस्ट मोड पर चले जाते हैं, प्लांट्स ग्रो नहीं होते, और बस इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। प्लांट्स ग्रो नहीं होते, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसी हालत में रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं, ऐसे रहते हैं, कुछ होते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती, इवन उनके प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो भी झड़ जाते हैं, सब ड्रॉप हो जाते हैं, बिल्कुल प्लांट खाली हो जाता है।
क्लेडियम की बात कर लेते हैं, क्लेडियम से एग्जांपल लेते हैं। क्लेडियम बहुत बुशी प्लांट है, समर सीजन का प्लांट है। सर्दियों में अगर आपने उसको स्पेशल एनवायरनमेंट दिया तो वो ठीक है, जैसी उसकी हालत है वैसी ही रहती, थोड़ा बहुत शायद ग्रो कर जाए। अदरवाइज़ क्लेडियम जो है पूरा का पूरा गायब हो जाता है, सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, नीचे ट्यूबर्स रह जाते हैं, और फिर जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो दोबारा से वो स्प्राउट हो जाता है। तो बताने का मकसद ये है, मैसेज मुझे ये देना है कि परचेजिंग प्लांट्स की विंटर्स में नहीं की जाती, इंतज़ार करना है आपको। बहुत ज़्यादा कोई अच्छा प्लांट मिल रहा है बहुत अहम कि जो नहीं मिल रहा या ये वैरायटी नायाब है तो ही सिर्फ एक ऑप्शन है, और उसके बाद भी अगर आपके पास एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट है तो ऐसा नहीं कि आपने परचेज़ किया घर पर लेकर आए ओपन एनवायरनमेंट में रख दिया, ये नहीं, उससे आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट है तो ठीक है, आप परचेज़ करें, उसको संभाल के रखें, और जब उसकी विंटर्स ख़त्म होंगी तो वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो आपने परचेजिंग नहीं करनी, अब आपने इंतज़ार करना है। तो ये बस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था, और बस बाकी इस नर्सरी पे इस वक्त मुझे कुछ खास अच्छी चीज़ें तो अब नज़र नहीं आ रही, बहुत खाली खाली लग रहा है। रात की रानी बाहर आउटसाइड मैरी गोल्ड्स के प्लांट्स हैं, और यहाँ पर कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स आए हैं, तैयार हो रहे हैं, बल्कि ये इनमें मुझे थोड़ी थोड़ी शूट्स नज़र आ रही हैं। ये मुझे नहीं पता भी सेल के लिए हैं कि नहीं है, क्योंकि इनकी वैसे भी कंडीशन नहीं है। आप आएँ और मालूमात ले सकते हैं, फ़ोन नंबर मैं यहाँ के जो नर्सरी के ओनर हैं उनका नंबर डाल लूँगा, उनसे भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स के बारे में। और या बाकी रात की रानी में खूब फ्लावर्स आए हैं, मैरी गोल्ड रखा हुआ है, डाइंथस रखा हुआ है इनके पास। तो सीज़न के भी यही दो चीज़ें लगाई हुई हैं, बाकी तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ मुझे यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। कई मरतबा मैं यहाँ की कवरेज दे चुका हूँ, ये पैशन फ्लावर की वाइन है, और आई गेस बस, और बस जाते जाते इसके अंदर देख रहे थे, इसके अंदर क्या कुछ भी मैं नज़र नहीं आ रहा। कटिंग्स तैयार हो रही हैं, और इसमें क्या है, इसमें मुझे सदाबहार नज़र आ रहे हैं दो कलर्स के, और बस हाँ मैं वहाँ पर था। ये रात की रानी आई गेस कि 30-40 से 50 रुपये की हैं, सब भरों बड़ी थैली है, फूलों से भरी हुई है। सर्दियों में रात की रानी में बहुत अच्छे फूल आते हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, तो सर्दियाँ आने से पहले रात की रानी ख़रीद लिया करें, अपने क्यारी में सेट कर लिया करें, ताकि विंटर्स में भरपूर इसकी खुशबू ले सकें। तो बस ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो सोचा कि यहाँ पर बस आकर वीडियो को एंड किया जाए, कि ये एक ये अननोन वैरायटी है, मुझे इसका नाम नहीं पता लेकिन अच्छी है। ये मेरे डिफेनबैकिया स्टार ब्राइट ये मैंने दिया था, इसको इंशाल्लाह तैयार करेंगे सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद। दो प्लांट्स रखे हुए हैं, और वो एक डिफेनबैकिया एक वो, तो बस यही, इसी को देखते हुए वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।